चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं समुद्री नमक को घर में आखिर कहां रखने से दूर होती है नेगेटिव एनर्जी और आपके सभी बिगड़े काम बच जाते हैं। पंडित जी बताइए कहां रखना चाहिए। देखिए वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र क्या है जी? वास्तुशास्त्र का मतलब होता है प्रकृति के अनुसार व्यवस्था। प्रकृति के अनुसार अगर व्यवस्था कर ली जाए, जैसे प्रकृति का निर्माण है, जैसे पृथ्वी का निर्माण है, जैसे समुद्र है, जैसे नदियां हैं, अगर उस अनुरूप अपने जीवन को आप ढाल लें तो यही वास्तु का सबसे बड़ा महत्व है। जैसे सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, एक नर्मदा को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो आपका घर भी हर समय पश्चिम और दक्षिण की तरफ ऊंचा होना चाहिए, पूरब और उत्तर की तरफ नीचा होना चाहिए। अगर पश्चिम की तरफ नीचा हो गया या दक्षिण की तरफ नीचा हो गया तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार साबुत समुद्री नमक में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। समुद्री नमक घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए हफ्ते में एक बार पानी में समुद्री नमक डाल करके इसका पोछा पूरे घर में लगाना चाहिए। किसी भी त्यौहार या मांगलिक कार्य में अपने घर में साबुत समुद्री नमक जरूर रखना चाहिए। इससे कोई भी पूजा या मांगलिक कार्य बिना रुकावट के पूरा होगा। और इसे शीशे के बाउल में रखना चाहिए, शीशे के कटोरे में रखना चाहिए, और वो भी कटोरा पतले कांच का नहीं होना चाहिए, मोटे कांच का होना चाहिए ताकि अगर हल्की सी ठोकर भी लग जाए तो वो टूटे ना। घर में समुद्री नमक रखने से आपके घर, आपकी सेहत, आपकी सोच और आपके व्यवहार पर इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साबुत समुद्री नमक को चार ढक्कन वाले कांच के कटोरे में डालकर घर की चारों दिशाओं में रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और एंजाइटी की भयंकर समस्या है, उनको अपने दोनों हाथों में साबुत समुद्री नमक थोड़ी देर तक पकड़ करके रखना चाहिए और उसके बाद उसको रख देना चाहिए। कुछ देर बाद मुट्ठी खोलकर बचे हुए समुद्री नमक को वॉश बेसिन में डाल देना चाहिए। इससे शरीर की सारी निगेटिव एनर्जी उस नमक के साथ निकल करके बाहर चली जाएगी। अगर आपके हाथ में बहुत पसीना आता है, पैरों में इतना पसीना आता है कि स्लीपर फिसलने लगता है और इसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप साबुत समुद्री नमक को दोनों मुट्ठियों में अपने बंद करके 5 मिनट तक रखिए और उसके बाद हाथ को वॉश बेसिन में धो दीजिए। आप देखिए पसीने का आना भी कम हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।